वेलकम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर मैं आपके इलेक्ट्रिकल मशीन के लेक्चर सीरीज़ में ट्रांसफार्मर के लेक्चर 5 को डिस्कस करूँगा। इस लेक्चर 5 के पहले 4 लेक्चर और हैं, वो आपको आई बटन पर मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। इस लेक्चर में वर्किंग करंट मतलब कि IW से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटाइजिंग करंट IMU, और आपके नो लोड करंट, इसके बारे में पूरा ये डिस्कशन होगा। मैंने इसके लिए सेपरेट लेक्चर बनाया है। इसका जो कंसेप्ट है आपका वर्किंग करंट का, मैग्नेटाइजिंग करंट का और नो लोड करंट का, वो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में इससे रिलेटेड एक भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, आपको पता ही होगा आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें उसकी जो दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, उसमें जो लॉसेस होते हैं, जो कॉपर लॉसेस होते हैं, वो एकदम ज़ीरो होते हैं। कॉपर लॉसेस क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं। उसका जो ओमिक लॉस होता है वो ज़ीरो होता है। आयरन कोर में जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, कोर में जो लॉसेस होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपके ज़ीरो होते हैं। साथ में जो मैग्नेटिक लीकेज होता है, मैग्नेटिक लीकेज, वो भी क्या होगा? आपका ज़ीरो होता है। और इस तरीके से इन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप दूर करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसमें इस तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ही आपका जो कंसेप्ट है वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट का, ये आता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर से कैसे अलग है? क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये कॉपर लॉसेस होते हैं और कोर लॉसेस भी होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक लीकेज भी होता है। लेकिन हम अभी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को इस तरीके से स्टडी करेंगे कि इसमें कोई भी मैग्नेटिक लीकेज नहीं है, नो मैग्नेटिक लीकेज। तो हमारा जो आज का टॉपिक बन जाता है वो ये बन जाता है कि ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। नो लोड का मतलब कि उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन रहेगी, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड विथ लॉसेस, विथ लॉसेस बट नो मैग्नेटिक लीकेज, नो मैग्नेटिक लीकेज। देखिए, इन सब टर्म्स में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना, मैग्नेटिक लीकेज क्या होता है, लॉसेस क्या होते हैं, ठीक है, ये नो लोड। तो मैं आपको बता दूं कि नो लोड क्या है। सेकेंडरी वाइंडिंग अगर ओपन है, कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है ट्रांसफार्मर में, तो वो नो लोड का कंडीशन है, लॉसेस होते ही हैं उसमें। मैग्नेटिक लीकेज मतलब अगर प्राइमरी वाइंडिंग में आपने सप्लाई कनेक्ट की और प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो एयर के थ्रू लिंक कर रहा है, या सेकेंडरी वाइंडिंग के अलावा कहीं और लिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो फ्लक्स है उसका लॉस हो रहा है, लीकेज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स अगर एयर को लिंक करता है या किसी दूसरी वाइंडिंग को लिंक करता है इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी वाइंडिंग के अलावा किसी दूसरे वाइंडिंग को या एयर में लिंक करता है, तो वो जो फ्लक्स लिंक हो रहा है दैट इज मैग्नेटिक लीकेज। तो अभी हम मान रहे हैं कि हमारे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके का मैग्नेटिक लीकेज नहीं है, सिर्फ क्या है इसमें लॉसेस हैं। और लॉसेस कितने टाइप की हैं? तो लॉसेस देखिए ट्रांसफार्मर में दो टाइप का होता है। एक जो होता है वो वाइंडिंग में होता है, उसको बोलते हैं कॉपर लॉस। दूसरा होता है, ये होता है आपका कोर में, आयरन कोर में होता है। ये दो तरह का होता है। पहला इसमें होता है हिस्टेरेसिस लॉस। क्या होता है? हिस्टेरेसिस लॉस होता है। और क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होता है एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। तो ये दोनों लॉसेस, ठीक है, ये दोनों लॉसेस एक साथ क्या कहलाती हैं? कोर लॉस। और कॉपर लॉस क्या है? आपका आई स्क्वायर आर लॉस है, जो आपके वाइंडिंग्स में होता है, ठीक है। वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, प्योरली इंडक्टिव वो नहीं होते प्रैक्टिकल में, तो उसके कारण वहां पर आई स्क्वायर आर लॉस होता है। तो ये दो तरीके की लॉसेस होती हैं, इसको हम कंसिडर करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में और नो लोड कंडीशन पर चेक करेंगे। तो जब नो लोड कंडीशन होता है तो हमारा जो एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई वो किससे कनेक्ट हो जाता है?
प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये क्या होता है, हमारा ओपन सर्किट, क्या होगा, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट होने की वजह से इस सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, तो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट जीरो हो जाता है, जिससे कॉपर लॉस सेकेंडरी वाइंडिंग का, कॉपर लॉस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। ये बात समझ में आई? तो कॉपर लॉस जो सेकेंडरी वाइंडिंग का है वो जीरो है, सिर्फ प्राइमरी में ही लॉस होता है, कौन सा, कॉपर लॉस। और कोर लॉस तो जैसा होता है वैसा ही होगा, लोड में भी और नो लोड में भी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसके डायग्राम को कि किस तरीके से इसका डायग्राम होता है। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर का कोर मैंने बना दिया है और इसमें मैं प्राइमरी वाइंडिंग भी लगा देता हूँ। ये प्राइमरी वाइंडिंग इस तरीके से मैंने इसमें लगा दी है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी मैं इसमें वाउंड कर देता हूँ, तो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग भी यहाँ पर वाउंड हो चुकी है। अब इसमें मैं इसको प्राइमरी मानता हूँ और इसमें मैं एसी सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ, और इस ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको मैं नो लोड पर रखता हूँ। नो लोड पर रखने का मतलब है कि ये दोनों वाइंडिंग क्या होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी, इसके बीच कोई भी लोड नहीं होगा, मतलब कि ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट होने पर I2 जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट है इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो और I1 की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। अब नो लोड कंडीशन पर है इसलिए जो I करंट फ्लो होगा इसको हम बोलते हैं I0। जो AC सप्लाई से हमको करंट मिल रहा है वो है नो लोड करंट, तो I0 को मैंने बोला, I0 हो गया मेरा नो लोड करंट। अब हुआ क्या, जब ये नो लोड करंट वाइंडिंग से होकर फ्लो हुआ तो वाइंडिंग में एक फ्लक्स सेटअप हो गया, तो ये जो फ्लक्स सेटअप हुआ फाई, इसे कहते हैं म्यूचुअल फ्लक्स, फाई म्यूचुअल फ्लक्स। अब ये जो फाई म्यूचुअल फ्लक्स बना, ठीक है, और ये हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हुआ और यहां पर जो मैंने सप्लाई वोल्टेज लिया वी वन, ठीक है, एसी वोल्टेज है ये, सप्लाई वोल्टेज वी वन, इनके बीच फेजर रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम वी वन को मान लें अप्लाइड एसी वोल्टेज, तो इन तीनों के बीच आई जीरो, फाई और वी वन के बीच में हम फेजर रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब ये वाइंडिंग में है ना करंट फ्लो होगा आई जीरो, उसके कारण फ्लक्स सेटअप होगा, इसका नेचर होता है एसी, अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, जिसके कारण फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के कारण हमारा दोनों वाइंडिंग में, प्राइमरी में और सेकेंडरी में, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम लोग ई वन और ई टू के नाम से बता देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इनको भी जैसे ई वन और ई टू, वी वन, आई जीरो और फाई, इन पांचों क्वांटिटीज को हमको एक फेजर रिलेशनशिप में रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले एक कॉमन रेफरेंस लेते हैं और इस रेफरेंस में फ्लक्स है ना, फाई फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स को ले लेते हैं और उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा करंट है आई जीरो है, ठीक है, वो आई जीरो हमारा कहाँ पर आता है वो हम देखेंगे। पहले हम रिलेशन देख लेते हैं कि फाई एम और ई वन ई टू के बीच क्या रिलेशन होता है। तो हमको पहले पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसके बारे में एक अलग से लेक्चर है, लेक्चर 4, तो उसको आप देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन बन जाता है आपका, मैंने पहले भी बताया है, ई वन ऐसा बनता है और ई टू नीचे बनता है। तो ई वन और ई टू इस तरीके से हमारे ड्रॉ होते हैं कि हमारा जो ई वन और ई टू है वो 90 डिग्री लैग करता है फ्लक्स फाई से। इसके बाद जो वी वन वोल्टेज होता है वो ई वन ई टू के जस्ट अपोजिट होता है ड्यू टू लेंज लॉ। तो वी वन इसके जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ बनाया जाता है और सेम एम्पलीट्यूड का बनाया जाता है। अब इसके बाद हमको रिप्रेजेंट करना है हमारे आई जीरो करंट को। तो हमारा आई जीरो करंट है, ठीक है, वो क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का करंट है, और प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, एक हमारी इंडक्टिव कॉइल है, इंडक्टिव कॉइल है, मतलब ये इंडक्टिव है। तो इंडक्टिव होने के कारण होना क्या चाहिए, अगर ये आइडियल है, मतलब इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जैसा कि आइडियल कंडीशन में था कि इंडक्टिव जो कॉइल थी वो प्योरली इंडक्टिव होती थी और जिसमें V1 लीड करता था उसमें होने वाले करंट से, उसमें फ्लो क्या हो रहा है, I0 हो रहा है, तो इससे लीड करता था बाई 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री से आइडियल कंडीशन में ये लीड करता था, लेकिन लेकिन हमारे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये जो रिलेशनशिप है वो प्योर इंडक्टिव नहीं होता। हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रखता है, तो उस रेजिस्टेंस के कारण हमारा जो वोल्टेज है V1 वो लीड करता है I0 से बाई सम एंगल phi 0। और ये जो phi 0 एंगल है, ये phi 0 एंगल मेरा क्या कहलाता है, प्राइमरी पावर फैक्टर एंगल, प्राइमरी पावर फैक्टर एंगल। इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है phi 0 का। इसका एक और नाम है, हम आगे वीडियो में उसका भी देखेंगे। तो ये जो phi 0 की वैल्यू होती है, दिस इज लेस देन 90 डिग्री, ये 90 अंश से कम होती है, क्योंकि आइडियल कंडीशन में 90 डिग्री है और बाकी में 90 से कुछ कम होती है। अब हम क्या करते हैं कि V1 से कुछ एंगल ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा एंगल ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने phi 0, और इसके बाद मैं ड्रॉ कर देता हूँ I0 की वैल्यू। तो हमारा I0 है V1 से 90 डिग्री ना होकर के कुछ एंगल पर होता है, phi 0 पर होता है। इस एंगल को हम बोलते हैं प्राइमरी पावर फैक्टर एंगल, क्योंकि ये वोल्टेज और करंट, प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी पावर फैक्टर एंगल कहा जाता है। तो इस तरीके से आप फेजर रिलेशनशिप बना सकते हैं किसके लिए, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन विथ लॉसेस। अभी हम बात करेंगे वर्किंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट और नो लोड करंट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नो लोड करंट हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब ये जो नो लोड करंट है इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं V1 वाले एक्सिस में, मतलब Y एक्सिस में और X एक्सिस में। तो इस तरीके से इसको रिजॉल्व करने पर हमको मिलता है दो कंपोनेंट, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा बाई ट्रिग्नोमेट्री अगर आप सॉल्व करें, तो वर्टिकल जो कंपोनेंट आ रहा है इसमें जो phi 0 के साथ में है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी I0 cos phi 0, ये वैल्यू आपको मिलेगी। और साथ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपको मिलेगी, देखिए ये वाला जो एंगल है आपका, ये हो जाएगा पूरा एंगल है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस phi 0 करेंगे तो आपको सेम वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा I0, आप करके देखिएगा, डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं अपने सारे डाउट वीडियोस के और ऑनलाइन टेस्ट के, तो वो भी आप कर सकते हैं I0 sin phi 0। तो ये दो कंपोनेंट आपके यहाँ पर रिजॉल्व हो जाते हैं I0 से। एक का नाम हम देते हैं वर्किंग करंट IW, और एक का नाम देते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट IMU। तो ये दोनों ही कंपोनेंट हमने वीडियो में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, कि हम ये वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो ये जो IW है ये होता है आपका वर्किंग करंट, क्या बोलेंगे इसको, वर्किंग करंट कहा जाता है। और ये वर्किंग करंट क्या काम करता है, ये वर्किंग करंट कॉपर लॉस प्लस कोर लॉस, कॉपर लॉस और कोर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हमारा जो कोर लॉस है W0 ये होता है V1 इंटू I0 इंटू कॉपर लॉस, हमारा जो है ये होता है W0 V1 I0 इंटू कॉस phi 0। इस तरीके से हमारा जो लॉस है कॉपर लॉस प्लस कोर लॉस, ये हमारा हो जाता है W0 V1 I0 cos phi 0, और इसे ही हम कहते हैं नो लोड लॉस, नो लोड लॉस। अब इसमें जो I0 cos phi 0 है ये हमारा मिलकर बनता है W0 is equal to V1 into IW, मतलब अप्लाइड वोल्टेज इंटू क्या, वर्किंग करंट। तो वर्किंग करंट जो हमारा होता है IW, ये IW करंट सपोर्ट करता है कोर लॉस को और कॉपर लॉस को, कोर लॉस प्लस कॉपर लॉस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है IW, ठीक है। ये IW को बोलते हैं कंपोनेंट, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, दैट इज I0। इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है, और इसको एक्साइटिंग कंपोनेंट भी कहा जाता है, सॉरी एक्साइटिंग कंपोनेंट नहीं कहा जाता, इसको लॉस कंपोनेंट भी कहा जाता है, लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट इस तरीके से कहा जाता है। अब आपका एक और जो बच गया है वो है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट IMU। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट
जो इस कोर में फ्लक्स सेटअप हुआ है हमारा, इसके सेटअप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है आई म्यू, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्स सेटअप इन द ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर में जो फ्लक्स सेटअप होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। मतलब कि हमारा जो नो लोड करंट है ये प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होगा। इसके दो कंपोनेंट है, एक जो कंपोनेंट है वो इसके लॉसेस को ध्यान देगा, इसमें जो कॉपर लॉस होगा वाइंडिंग में और जो कोर में जो लॉस होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा आई डब्ल्यू। इसको कहा जाता है वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। और साथ में आई म्यू जो है एक और कंपोनेंट है, वो इस कोर में जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसे कहते हैं हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। इसे आई म्यू को कहेंगे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, या इसे ही कहते हैं एक्साइटिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। तो ये है आपका नो लोड करंट का कंसेप्ट। नो लोड करंट में दो आपके क्या है, उसके कंपोनेंट्स हैं। अब आप क्या करिए, देखिए मैं दूसरा पेज नहीं ले रहा हूँ, इसी में आपको समझा रहा हूँ ताकि ये सारे कंसेप्ट्स भी यहाँ पर रहें। ठीक है, आप क्या करिए, जो आपके पास आई जीरो है, ठीक है, आई जीरो है, ये कैसे बना ये हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो आई डब्ल्यू है आपके पास, आई डब्ल्यू ये क्या है, आई जीरो कॉस फाई जीरो, तो वो लिख लेते हैं आई डब्ल्यू इज इक्वल टू आई जीरो कॉस फाई जीरो। और इसके बाद हम लिख लेते हैं आई म्यू, दैट इज आई जीरो साइन फाई जीरो। अब इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, आई डब्ल्यू का स्क्वायर और आई म्यू का स्क्वायर कर दीजिए। तो आई डब्ल्यू का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा आई जीरो स्क्वायर। मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। आई डब्ल्यू इज इक्वल टू आई डब्ल्यू इज इक्वल टू आई जीरो कॉस फाई जीरो एंड आई म्यू इज इक्वल टू आई जीरो साइन फाई जीरो। अब क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, आई डब्ल्यू का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा आई जीरो स्क्वायर कॉस फाई जीरो का स्क्वायर, और आई म्यू का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा आई जीरो स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई जीरो। यहाँ पर गलती हो गई, कॉस स्क्वायर फाई जीरो होगा। अब इन दोनों को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर ऐड करने पे हमको मिल जाएगा आई जीरो स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई जीरो प्लस, ध्यान दीजिए, आई जीरो स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई जीरो। इस तरीके से जब हमको मिलेगा तो हम क्या करेंगे, आई जीरो को यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, आई जीरो स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाई जीरो प्लस साइन स्क्वायर फाई जीरो, और इसका वैल्यू होता है वन, तो हम रख देंगे वन आई जीरो स्क्वायर इंटू वन, और इधर मिल जाएगा आपको आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको आई जीरो स्क्वायर आ गया आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इसको सिंप्लीफाई करें तो आई जीरो होता है रूट ऑफ आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का स्क्वायर। तो इस तरीके से आई जीरो जो कि होता है नो लोड प्राइमरी करंट, इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी एम्पियर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या वर्किंग करंट होता है और क्या मैग्नेटाइजिंग करंट होता है। व्हाट इज वर्किंग करंट, व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ट्रांसफार्मर एंड व्हाट इज नो लोड करंट। ठीक है, ये पूरा हमको आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में। अब मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ इन दोनों करंट के बारे में। हम बात करेंगे आई जीरो के बारे में, आई डब्ल्यू के बारे में और आई म्यू के बारे में, नो लोड करंट और उसके दोनों कंपोनेंट, वर्किंग कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट नोट करेंगे पॉइंट्स। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। पहला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि आई जीरो जो होता है, आई जीरो क्या होता है आपको सबको पता है क्या होता है, बताइए, नो लोड प्राइमरी करंट। नो लोड प्राइमरी करंट हमारा होता है आई जीरो, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है फुल लोड प्राइमरी करंट से। फुल लोड प्राइमरी करंट, जो हमारे प्राइमरी करंट की वैल्यू है दो टाइप की है, एक है
नो लोड कंडीशन पर और एक है फुल लोड कंडीशन पर। तो फुल लोड कंडीशन पर जो प्राइमरी करंट की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है नो लोड प्राइमरी करंट से, ये लगभग 1% के बराबर होती है। मतलब कि जो नो लोड करंट है प्राइमरी का वो लगभग 1% होता है ऑफ फुल लोड करंट ऑफ प्राइमरी। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम होता है इसका वैल्यू। दूसरा इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोर है, कोर की परमिबिलिटी, मतलब कोर की परमिबिलिटी मतलब म्यू, इसको इंक्रीज करने के लिए, कोर की परमिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या बढ़ाना पड़ता है हमको, एक्साइटिंग करंट मतलब आई म्यू की वैल्यू को बढ़ाना पड़ता है, आई म्यू की वैल्यू को बढ़ाना पड़ता है, जिससे हमारा जो आई म्यू है ना, आई म्यू इज़ नॉट ए साइनोसॉइडल शेप, इज नॉट ऑफ अ साइनोसॉइडल वेव, ये साइनोसॉइडल वेव नहीं रहता, ये उससे बदल जाता है, ठीक है। इसके कारण होता ये है कि इसको हम फेजर में, है ना, रोटेटिंग वेक्टर या रोटेटिंग फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, मतलब उसमें हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसा कि हमने देखा था कि इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया था आई म्यू को, ठीक है, आई म्यू को इस तरीके से यहाँ पर दिखा दिया है, तो ऐसा हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमने लेकिन कर दिया है, क्योंकि इसके कारण कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आता, इसलिए हमने क्या कर दिया था, इसको रिप्रेजेंट कर दिया था। ये नहीं किया जा सकता रिप्रेजेंट, क्योंकि उसका जो शेप है वो साइनोसॉइडल नहीं रह पाता। आगे वाले वीडियोज़ में आप देखेंगे इनरश करंट क्या होता है, उससे रिलेटेड थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि इसका जो वेव शेप है, वेव फॉर्म है, वो साइनोसॉइडल नहीं रहता, वो बदल जाता है, और वो बदलने के कारण हम लोग उसको वेक्टर या फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को ही हम फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हमारा तीसरा पॉइंट जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है कि आई जीरो बहुत ही स्मॉल होता है, नो लोड प्राइमरी करंट इज़ वेरी स्मॉल, और स्मॉल होने से क्या होगा, जो हमारे वाइंडिंग में कॉपर लॉस होगा, जिसको हम किससे देंगे, I जीरो स्क्वायर R1 मान लो प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, तो I जीरो स्क्वायर इंटू R1 जो होगा वो भी क्या होगा, वेरी स्मॉल, मतलब कि ये क्या किया जा सकता है, नेगलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आई जीरो अपने आप में बहुत कम वैल्यू है, तो इसको जब हम नेगलेक्ट करते हैं तो हमारा जो कॉपर लॉस है वो हमारा नेगलेक्ट हो गया, तो हमारा जो आई जीरो था, ठीक है, जो हमारा आई जीरो था उसका जो कंपोनेंट था, ठीक है, आई जीरो का जो कंपोनेंट था आई डब्ल्यू, ये क्या सपोर्ट कर रहा था, कॉपर लॉस प्लस कोर लॉस, दोनों को ही ये क्या कर रहा था, रिस्पॉन्सिबल था दोनों के लिए, तो इसको माना जा सकता है कि जो आई डब्ल्यू है वो किससे रिलेटेड है, कोर लॉस से, मतलब कि जो आई डब्ल्यू है वो कोर लॉस से रिलेटेड है, और हमारा जो नो लोड लॉस है डब्ल्यू जीरो नो लोड लॉस, इसका मतलब होता है कोर लॉस। इसी से हम समझते हैं कि नो लोड पर कोर लॉस को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको डिटरमिन किया जा सकता है। अगर किसी ट्रांसफार्मर के कोर लॉस को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करिए, नो लोड लॉस निकालिए, उसका नो लोड लॉस होता है V1 अप्लाइड वोल्टेज इंटू आई जीरो नो लोड करेंट इंटू कॉस फाइव जीरो, वेयर कॉस फाइव जीरो इज द प्राइमरी सॉरी फैक्टर पावर फैक्टर ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, या फिर पावर फैक्टर ऑफ प्राइमरी सर्किट, या फिर पावर फैक्टर ऑफ नो लोड ट्रांसफार्मर, पावर फैक्टर ऑफ नो लोड ट्रांसफार्मर। तो ये डब्ल्यू जीरो आपका क्या हो जाता है, नो लोड लॉस हो जाता है। इसके और भी नाम है, इसको और क्या कहा जाता है, कोर लॉस कहा जाता है, और कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है, हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करेंट लॉस, ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करेंट लॉस, WH प्लस WE, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बाद मैं आपको आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ, चौथा पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंगल होता है हिस्टेरेसिस एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिस्टेरेसिस एंगल अल्फा होता है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्टेरेसिस एंगल ऑफ एडवांस की बात कर रहा हूँ, ऑफ एडवांस, हिस्टेरेसिस एंगल ऑफ एडवांस,
इसकी बात कर रहा हूँ, इसको 5-0 से ही रिप्रेजेंट करते हैं और यही है आपका हिस्टेरेसिस एंगल ऑफ एडवांस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर को आप अगर सीखना चाहते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया आप चाहते हैं कि पूरा पूरा आपको समझ में आ जाए और बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम में स्कोर कर पाओ, तो आप क्या करिए, मेरे वीडियो को दोबारा देखिए और आप उसमें ये पूरे नोट्स बनाते चलिए, पॉइंट्स को पूरा समझ लीजिए। और समझने के बाद आप क्या करिए कि आप पूरा ये जो बना हुआ है पॉइंट्स, इसको बिना देखे एक ब्लैंक पेज ले करके पूरा लिखिए, वन बाई वन लिखते जाइए और फिर दोबारा मिलाइए वीडियो से कि वो आपने सही लिखा है या नहीं। और इस तरीके से एक दो बार करने पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा और ये पूरा लॉजिक है, मशीन पूरा लॉजिक है। अगर आप लॉजिक नहीं समझेंगे, रटने बैठ जाएंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा जो उद्देश्य है आपको क्या कराना है कि आपको समझा देना है, लॉजिक समझा देना है, जिससे आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे कुछ न्यूमेरिकल्स। इसी पे बेस्ड हमने दो न्यूमेरिकल लिए हुए हैं, वो कन्वेंशनल में आने लायक बहुत अच्छे हैं और CSBT में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप वो दो न्यूमेरिकल जरूर देखिए। चलिए हम देखते हैं वो न्यूमेरिकल्स। इन दिस क्वेश्चन न्यूमेरिकल वन, देखिए न्यूमेरिकल वन में किस तरीके से क्वेश्चन को लिया गया है। A 2200 volt by 200 volt ट्रांसफार्मर ड्रॉज अ नो लोड प्राइमरी करेंट, वॉट अ नो लोड प्राइमरी करेंट ऑफ 0.6 एम्पियर एंड एब्जॉर्ब्स 400 वॉट्स एंड एब्जॉर्ब 400 वॉट्स फाइंड मैग्नेटाइजिंग मतलब कि IMU एंड आयरन लॉस करेंट दैट इज IW। सो वॉट इज गिवेन इन दिस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज गिवन, गिवन इज 0.6 एम्पियर एंड व्हाट इट इज नो लोड प्राइमरी करंट। तो आपको ट्रांसफार्मर दिया है, उसका नो लोड प्राइमरी करंट दिया हुआ है, तो नो लोड प्राइमरी करंट क्या होता है, I0 इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर। इसके बाद कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 400 वॉट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हमने आपको अभी सिखाया है, ठीक है, क्या सिखाया है कि जो नो लोड लॉस होता है, ठीक है, वही है, वही एब्जॉर्ब करता है जब नो लोड कंडीशन में होता है। तो W0 इज इक्वल टू V1 इंटू I0 cos ∅0, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, W0 दिया हुआ है 400 वॉट। और हमको पता क्या है कि W0 जो होता है ये होता है अप्लाइड वोल्टेज V1 इंटू, क्या हो जाता है बताइए, अप्लाइड वोल्टेज V1 इंटू I0 इंटू cos ∅0, ठीक है, I0 इंटू cos ∅0। अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी का वोल्टेज V1 क्या दिया हुआ है, 2200 वोल्ट। तो आपको बस वैल्यू पुट करना है इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले में देखिए I0 cos ∅0 आपका क्या कहलाता है, वर्किंग करंट कहलाता है कि नहीं। तो आपका जो W हो जाएगा, W0 ये आ जाएगा V1 इंटू IW, ठीक है, V1 इंटू IW इतना आ जाएगा। और उसके बाद आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो आपका जो W0 है डिवाइड बाई V1 आपका क्या देगा, IW देगा। तो चलिए W0 का वैल्यू रखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, 400 डिवाइडेड बाई 2200 वोल्ट। तो इसका जो आंसर आपका आएगा, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, 0.182 एम्पियर करंट आएगा। तो आपका जो IW है वो आपको फाइंड हो गया, IW आ गया 0.182 एम्पियर, ये आपका IW हमको मिल गया। इसके बाद में आपको और क्या निकालना है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो हमको पहले से पता है कि I0 स्क्वायर इक्वल टू IW स्क्वायर प्लस IMU स्क्वायर होता है, ये हमने देखा था, ठीक है। अब आप क्या करिए, जो IW है ये हमको पता है वैल्यू और I0 का वैल्यू पता है, तो इसको क्या करें, इधर शिफ्ट कर दीजिए तो IMU निकल आएगा। तो IMU स्क्वायर हो जाएगा आपका I0 स्क्वायर माइनस IW का स्क्वायर, या IMU क्या लिख सकते हो आप, रूट ऑफ I0 स्क्वायर माइनस IW का स्क्वायर। तो रख दीजिए वैल्यू, I0 क्या है आपका, 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.182 का स्क्वायर। तो इसका भी आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए कितना आंसर आता है, आपका आंसर आ जाएगा 0.572 एम्पियर। देखिए इस तरीके के प्रॉब्लम अगर SSC JEE में आते हैं तो आपको जो ये डेटा जो मिलेगा, इस तरीके का जो डेटा मिलेगा,
है ना, वो पॉइंट वाला नहीं मिलेगा, ऐसा वैल्यू मिलेगा जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, इस तरीके का डेटा मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए सोचने की बात नहीं है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल वन था, आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अ 2200 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर टेक्स 0.5 एम्पियर एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.3 ऑन ओपन सर्किट। देखिए यहाँ पे किस तरीके से वर्डिंग यूज़ की जा रही है। पहले क्या यूज़ किया था? नो लोड। और यहाँ पर क्या यूज़ किया? ओपन सर्किट। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर ओपन सर्किट होगा तो 0.5 एम्पियर करंट लेगा क्या? नहीं लेगा ना। तो ये 0.5 एम्पियर प्राइमरी का बता रहा है, और ओपन सर्किट बोल रहा है मतलब कि इसका जो सेकेंडरी है वो ओपन सर्किट है, तभी तो वो ओपन होगा ना, नहीं तो 0.5 एम्पियर क्यों लेगा। तो प्राइमरी साइड कनेक्ट है लेकिन सेकेंडरी इसका ओपन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, मतलब इसी वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बताया था। ये देखिए इस तरीके का है, प्राइमरी कनेक्ट है लेकिन सेकेंडरी आपका ओपन है, ओपन सर्किट। और आई जीरो का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आई जीरो का वैल्यू क्या दिया हुआ है बताइए? आई जीरो का वैल्यू हमको दिया है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर दिया। और कॉस फाइव जीरो क्या दिया हुआ है? देखिए दिया पावर फैक्टर, तो कॉस फाइव जीरो पावर फैक्टर है। ठीक है, पावर फैक्टर ऑन ओपन सर्किट 0.3। और निकालना क्या है? आई म्यू निकालना है, मैग्नेटाइजिंग एंड वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड। तो आई डब्ल्यू निकालना है और आई म्यू निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर हमको आई जीरो दिया है और कॉस फाइव नॉट दिया है? तो आपको पता ही है, आपको क्या पता है कि वर्किंग कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? आई जीरो इंटू कॉस फाइव जीरो। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। आई जीरो इंटू कॉस फाइव जीरो जो आप रखेंगे तो आ जाएगा 0.5 इंटू 0.3, और ये आ जाएगा 0.15 एम्पियर। और आपको अब क्या निकालना है बताइए? आई म्यू निकालना है। तो आई म्यू स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर, ये क्या होता है आपका? आई जीरो स्क्वायर। तो आई म्यू कैसे निकलेगा? देखिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिए। आई म्यू आ जाएगा आपका रूट ऑफ आई जीरो स्क्वायर माइनस आई डब्ल्यू का स्क्वायर। तो आप रख दीजिए वैल्यू, आई जीरो कितना है? 0.5 का स्क्वायर है माइनस 0.15 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 0.476। इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको क्या यहाँ पर जो हमने दो न्यूमेरिकल किया बैक टू बैक, ये दो न्यूमेरिकल किए, इसमें हमको ये सीखने को क्या मिला? जो हमने पूरा लेक्चर किया तो उसमें हमारी लर्निंग क्या हुई, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखने वाली हैं? तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूले के बेसिस पे बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल के बेसिस पे, तो पहला नोट आपका ये बनता है कि जो आई डब्ल्यू है उसका फॉर्मूला क्या है? आई जीरो कॉस फाइव जीरो है। आई म्यू क्या है? आई जीरो साइन फाइव जीरो है। फिर आई जीरो क्या है? रूट ऑफ आई डब्ल्यू स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर है। ठीक है, फिर डब्ल्यू जीरो है वो क्या है आपका? वी वन इंटू आई जीरो कॉस फाइव है। और डब्ल्यू जीरो को क्या लिख सकते हैं? वी वन इंटू आई जीरो साइन, सॉरी आई जीरो की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी वन इंटू आई डब्ल्यू लिख सकते हैं। और इसका एक तरीका है, देखो जो साइन फाइव होता है ना, साइन फाइव जीरो, वो होता है आपका रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइव जीरो, इस तरीके से होता है। और कॉस स्क्वायर फाइव जीरो होता है आपका रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव जीरो। ठीक है, ये आपको मैं बिल्कुल प्रो नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्रो नॉलेज है, ऐसा नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो आपको देखिए यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर था, ठीक है, वो क्या है? कॉस फाइव जीरो है, तो ये रूट इधर आ गया। तो अब वैल्यूज देखिए किस तरीके से आ सकती है। आई म्यू, आई म्यू को कॉस के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे? आई जीरो और साइन की जगह क्या लिखोगे? ये रख दो, रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइव जीरो। तो इस तरीके से भी ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं एग्जाम में, केयरफुल रहना पड़ेगा। आई डब्ल्यू रखेंगे तो इसमें कॉस फाइव जीरो की जगह रख दो, कॉस फाइव जीरो की जगह रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव जीरो, इस तरीके से हो सकता है। और क्या हो सकता है? जो डब्ल्यू जीरो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो सकता है? वी वन इंटू आई डब्ल्यू की जगह क्या हो जाएगा? आई जीरो इंटू कॉस फाइव जीरो की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव जीरो। तो इस तरीके की जो नॉलेज है ये आपके काम की है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप, आपको कोई भी डाउट है तो वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे।
तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में ऑनलाइन टेस्ट है, इसी के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं डायरेक्टली रजिस्टर होकर के, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें आप पार्टिसिपेट करिए अच्छी तरीके से, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।